आज हम लोग क्लास 11 पाठ संबंध और फलन की प्रश्नावली 2.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत हमको पहले पढ़ना है फलन, ठीक ना। और इसके पहले हमने पढ़ा था संबंध। तो इस संबंध के बाद जो फलन आता है, ये फलन देखिए अलग कुछ नहीं होता है, ये एक विशेष प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक ना, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो विशेष प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक ना। मतलब कुछ संबंध में कुछ अलग गुण आ जाने कारण ये संबंध फलन कहलाते हैं, ठीक ना। तो पहले हम इसका फलन की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर कुछ उदाहरण लेकर इसको अच्छे से समझाया जाएगा। देखिए, फलन को इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं, तो लिखेंगे समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध एफ, ठीक ना। देखिए, संबंध पहले हम लोग आर से लिखते थे, हम अब ये संबंध जो स्पेस विशेष प्रकार का संबंध है उसको हम एफ बोलेंगे। एफ क्या होगा? फलन होगा, फलन फलन मतलब फंक्शन, फंक्शन होगा यदि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के संगत संगत समुच्चय बी में एक और केवल एक, है ना, इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं इसे, और केवल एक प्रतिबिंब प्रतिबिंब, है ना, इमेज बोलते हैं इसे, प्रतिबिंब होगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है, परिभाषा क्या है, इसको कुछ उदाहरण ले लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, हमने पहले इसके पहले क्लास में संबंध के लिए हमने चार रिलेशन ले रखे थे, इसको भी हम यही लिख देखिए एग्जाम्पल में बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम एक रिलेशन आर वन लिए हैं, आर वन ए टू बी में, तो देखिए इसमें क्या लिखा था हमने पहले, यक्स और वाई का ऐसे क्रमित युग्म है कि y, देखिए इसमें a का इसमें बना देते हैं, a में 1 2 3 और b समुच्चय में 4 5 6, है ना, तीन तीन अवयव हमने लिया था, इसके पहले भी लिया था, वही चार उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं संबंधों का। अब इन संबंधों में हम चेक करेंगे कि कौन सा फलन है और कौन सा नहीं है। तो हमने देखिए पहला लिया था y बड़ा हो x से, ठीक ना, और यक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक ना, ये हमने संबंध लिया था, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप में। और हम इसको रोस्टर रूप में ये लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या था कि जो दूसरा घटक है, ठीक ना, पहले घटक से बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें देखिए, जब हमने ए क्रॉस बी लिया था और इसमें जब रिलेशन निकालेंगे तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक ना, ये रिलेशन में आया था। देखिए इसमें सभी प्रत्येक पहला घटक दूसरे घटक से छोटा है, ठीक ना, पहला घटक दूसरे घटक से छोटा है। तो ये हमने आर वन लिया था। अब देखिए यहाँ पर हम एक आर टू ले लेते हैं, आर टू जो पहले लिया था, आर टू ए टू बी में, तो आर टू के लिए हमने लिया था यक्स वाई इस प्रकार क्रमित युग्म है कि वाई बराबर यक्स प्लस 3 लिया था, ठीक ना, और यक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी लिया था। तो इसका हमने आर टू
टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो देखिए इसमें है, अगर x का मान एक लेंगे तो y का मान चार आना चाहिए, यहाँ अगर हम दो लेंगे तो दो तीन पाँच आएगा, और यहाँ पर अगर तीन लिया तो तीन तीन छः आएगा, ठीक ना। पहला घट देखिए पहले से एक यही बनेगा इसमें, ये सब हमने पहले एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पर हमने इसको दिखाने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसको एक लिया था आर थ्री बराबर ए टू बी में, एक एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आर थ्री यक्स वाई इस प्रकार हो कि वाई बराबर यक्स प्लस फोर, ठीक ना, यक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। तो इसका टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आर थ्री इज इक्वल टू यक्स का मान अगर एक रखें तो ये पाँच आएगा, यहाँ दो रखेंगे तो छः आएगा, और अगर यहाँ तीन रखेंगे तो सात आएगा, सात बी वाले में है ना इसलिए वाला इसको नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो ये हमने संबंध लिया, और एक चौथा रिलेशन लिया था तो देखिए उसका आंसर फाइव आ रहा था, आर फोर इसमें है ए टू बी, तो आर फोर इज इक्वल टू यक्स वाई इस प्रकार क्रमित युग्म है कि यक्स बड़ा हो वाई से और यक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक ना। तो इसमें आर फोर में क्या आया था, फाई आया था। ऐसा इसमें कोई भी ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो इसमें ऐसा कोई भी क्रमित युग्म नहीं मिलेगा जो पहला दूसरे से छोटा हो, ठीक ना, इसलिए इसका फाई आया था। अब हम इसको देखेंगे कि ये जो चार हमने रिलेशन लिए थे क्या ये फलन है या नहीं है, ठीक ना। अब देखिए फलन की परिभाषा देखते हैं इसमें क्या लिखा है, लिखा है समुच ए से समुच बी में, ठीक ना, ए से बी में संबंध एफ, एक देखिए ये जो रिलेशन लिखा है ये एफ कहलाएगा, फलन कब कहलाएगा, यदि समुच ए के प्रत्येक अवयव के संगत समुच बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, ठीक ना। तो देखिए हमने इसका पहले समुच्चयमान रूप लिख लिया, टेबुलर फॉर्म लिख लिया, अब इसका चित्र आरेख में देखेंगे, ठीक ना, एरो डायग्राम देख लेते हैं तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक आते हैं बना लें, एरो डायग्राम बना रहे हैं हम, ए और बी, इसका ए के अवयव थे वन टू थ्री, इसके फोर फाइव सिक्स थे, ठीक ना। तो ये क्या, ये संबंध क्या एक फलन है, इसको देखने के लिए देखिए इसके पहले हम जितने हैं एक का चार के संग है, तो एक का चार बनाया, फिर देखिए एक का पाँच भी है और एक का छः भी है, ठीक ना। इसी प्रकार दो का चार है, दो का पाँच है, दो का छः है, इसी प्रकार तीन का सबके संग है, ठीक ना। तो देखिए अब देखिए हमने जैसे परिभाषा बताया था कि ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना होगा, है ना, तभी ये फंक्शन तभी ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, ठीक ना। तो देखिए हमने इस अवयव की अगर बात करें तो इसके एक दो तीन तीन प्रतिबिंब हैं, है ना, एक का चार के संग भी है, एक का पाँच के संग मैपिंग है, एक का छः के संग। तो देखिए इस प्रकार जो ये जो R1 था ये फलन नहीं कहलाएगा, ठीक ना, ये रिलेशन फलन नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए इसका ये जो एक अवयव है इसका इन तीनों के संग मैपिंग हो रहा है, मतलब इसके तीन प्रतिबिंब हैं, इसी प्रकार दो की भी तीन प्रतिबिंब हैं, दो का चार, दो का पाँच, दो का छः के, है ना, इसी प्रकार तीन का भी है, तो यहाँ तो तीनों अवयवों के तीन तीन प्रतिबिंब हैं, यदि इनमें से किसी एक अवयव के भी दो या तीन प्रतिबिंब होते तब भी ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता, ठीक ना। देखिए अब इस आर टू की बात करें तो देखिए आर टू ही देख लेते हैं एक बार, ये रहा ये आर वन के लिए था, आर वन ए टू बी, इसी प्रकार ये आर टू ए टू बी में, ये रहा ए बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखिए इसमें क्या, एक का चार के संग है, दो का पाँच के संग है और तीन का छः के संग,
देखिए प्रत्येक अवयव का समुच्चय V में एक और केवल एक एक प्रतिबिंब है, एक का चार के संग, दो का पाँच के संग, तीन का छः के संग। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है, जो संबंध है, ये फलन होगा, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको कौन सा रिलेशन फलन कहलाता है। अब देखिए R3 देख लें, तो इसमें देखिए एक पाँच ये है, R3 के लिए लिख लेते हैं A2B, तो ये रहा A B 1 2 3 4 5 6, एक का पाँच, ठीक ना, एक का पाँच, दो का छः। तो इसमें देखिए एक का पाँच का है प्रतिबिंब, ठीक ना, एक का पाँच, ठीक ना, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं, इसका ये प्रतिबिंब है और पाँच का एक पूर्व प्रतिबिंब है, ठीक ना, प्री इमेज है इसका। तो इमेज देखिए ये रहा प्री इमेज और ये इमेज, ठीक ना, और हिंदी में बोलते हैं इसको, इमेज को प्रतिबिंब बोलते हैं और इसको पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब, ठीक ना। तो इमेज इसका एक इमेज, इसका एक इमेज, तो यहाँ तक तो ठीक है, मगर देखिए इस वाले समूच ए का ये अवयव बिना मैपिंग किए या इसका कोई प्रतिबिंब नहीं है। तो देखिए हमने लिखा है प्रत्येक अवयव का होना जरूरी है, ठीक ना, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना आवश्यक है और केवल एक और केवल एक ही होना हो आवश्यक है, ठीक ना, दो भी होना नहीं हो सकता और कोई भी अवयव बिना प्रतिबिंब के छूट भी नहीं सकता। इस प्रकार R3 भी फलन नहीं है, ठीक ना, इसका एक छूट जाने के कारण ये R3 प्रतिबिंब, मतलब इसका प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये संबंध फलन नहीं कहलाएगा, ठीक ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये फलन नहीं है। इस R4 में तो किसी का कोई मैपिंग ही नहीं हो रहा है, कोई प्रतिबिंब ही नहीं हो रहा है, देखिए ये और ये A B 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, तो कोई किसी का संबंध नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा रिलेशन है जो फलन नहीं है। तो ये समझ में आ गया। तो इसको हम देखिए सरल भाषा में भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में, है ना, इन अदर वर्ड, देखिए कोई संबंध, है ना, R A to B फलन होगा जब, देखिए दो नियम, दो कंडीशन है, पहला जो प्रांत होता है, ठीक ना, प्रांत कितना हो जाए, ये A हो जाए, मतलब अगर जैसे पहला जो समूच होता है वो उसके सभी अवयव बिजी हो, किसी न किसी संग मैपिंग किए हों या कोई न कोई प्रतिबिंब हो, ठीक ना। देखिए इसको लिख लेते हैं, फिर इसका उदाहरण देखते हैं, लिखेंगे दो क्रमित युग्मों के पहले घटक समान न हो, ठीक ना, सीधा सीधा भाषा में है। देखिए जैसे कि अगर एक उदाहरण ले लिए, जैसे ए और ये बी, ठीक ना, तो इसमें बोला है देखिए अगर 1 2 3 है या 4 5 6 है, तो देखिए प्रांत हमने बोला था, जैसे डोमेन होता है पहले घटक का समूच, है ना, क्रमित युग्मों के पहले घटकों का समूच, ठीक ना, ये होता है, ठीक ना, अगर डोमेन है, अगर R का ले रहे हैं तो हो जाएगा R के क्रमित युग्मों के पहले घटकों का समुच्चय हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब हुआ कि यदि जो डोमेन है, अगर देखिए जैसे इसका इसके संग मैपिंग हो गया, इसका इसके संग मैपिंग हो, इसका इसके संग अगर मैपिंग हो रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका डोमेन निकालूं, ठीक ना, अगर कोई एक रिलेशन है, ये ए टू बी में अगर कोई रिलेशन का एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक ना, तो अगर मैं इसका डोमेन निकालूं, ठीक ना, प्रांत निकालूं, इसको प्रांत बोलते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 यही हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए जो 1 2 3 है वो किसके अवयव हैं, अगर ये देखिए यहाँ पर अगर ए दिया होता 1 2 3 और बी दिया है
चार पाँच छः, ठीक ना, ये दिया हुआ है। तो इसका अगर एक रिलेशन कोई विशेष प्रकार के रिलेशन लिया है जिसमें एक का चार के संग मैपिंग हो, दो का पाँच के संग और तीन का छः के संग, ठीक ना, तो इसका मतलब जब देखिए ए के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब है, ठीक ना। अगर हम इसका प्रांत निकालें, डोमेन निकालें, तो देखिए बोलते हैं ना पहले घटक का समुच्च, तो एक दो तीन, एक दो तीन लिखा है, और देखिए यही एक दो तीन इसको हम बोल सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, ठीक ना, तो ये ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारा संबंध है अगर उसमें प्रांत पहला समुच्च ही आ जाए, है ना, पहला समुच्च मतलब ये पहला समुच्च ही आ जाए, मतलब सभी घटक सभी अवयव इसके आ जाए, तो प्रांत बराबर अगर ए होता है और मतलब इसमें कोई अवयव छूटा नहीं है, है ना, कोई प्रतिबिंब बिना बनाए रह नहीं गया हो, तो प्रांत ए ही आ जाएगा। अगर कोई इसमें अगर देखे जैसे यहाँ पर ये चार होता, ठीक ना, तो इसका अगर मैं प्रांत इसका मैं समूह ये लिखता, देखिए ये अगर समूच लिखूंगा तो एक दो तीन चार आएगा, ठीक ना, और अगर मैं प्रांत लिखता तो एक दो तीन आता केवल, ठीक ना। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर ए नहीं लिख सकता था क्योंकि ए के सभी अवयव तो नहीं ना हुए हैं, डोमेन में सभी अवयव तो नहीं आए हैं, एक दो तीन ही पर आए हैं, ठीक ना। तो यहाँ एक दो तीन है, और अगर मैं समूच में अगर ये समूच में चार अवयव हैं, एक दो तीन चार, तो यहाँ ए नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक कोई अवयव एक या दो तीन अवयव का प्रतिबिंब नहीं है इसमें, ठीक ना। तो इस प्रकार यहाँ ए नहीं है, और अगर मैं यहाँ पर ए अगर मैं ये चार हटा दूँ, मतलब ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंब है, तो मतलब ए के सभी अवयव इंगेज हैं, है ना, मैप रहेंगे। तो ये जो देखिए एक दो तीन आया, तो सभी समूच के सभी अवयव आ गए, तो मैं यहाँ पर ए लिख सकता हूँ, ठीक ना। तो इसका मतलब प्रांत जो है वो ए ही होना चाहिए, ठीक। और दूसरा बात कि दो क्रमित युग्मों के पहले घटक समान न हो, ठीक ना। देखिए अगर जैसे एक मैपिंग एक तो रिलेशन लिख लेता हूँ, देखिए जैसे ये है एक चार तो पाँच और तीन छः लिखा, ठीक ना। तो देखिए अगर इसके अगर क्रमित युग्म हमको मिले हैं कि इसके कोई क्रमित युग्म के पहले घटक बराबर तो नहीं है, सेम तो नहीं है, यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ तीन है, तो इस प्रकार ये आर टू एफ है, फलन हो गया, ठीक ना। पहले घटक ये बराबर नहीं आने चाहिए, ठीक ना, ये भी एक तरह से पहचान किया जाता है कौन सा संबंध कौन फलन है, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता एक चार एक पाँच दो छः, ठीक ना, मान लिया एक रिलेशन आया है तो इसमें देखिए पहले घटक दोनों बराबर हैं, है ना, तो इस प्रकार ये रिलेशन ये वाला रिलेशन फलन नहीं कहलाएगा, ठीक ना, फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये सीधे सरल भाषा में ये दो याद रखते हैं कि प्रांत बराबर ए मतलब पहला समुच्च ही हो और कभी किसी भी दो क्रमित युग्मों के पहले घटक बराबर न हो, तो वो रिलेशन फलन कहलाता है, ठीक ना। तो देखिए ये हो गया। अब एक अंतिम तरीके से और मैं बता देता हूँ, देखिए सरल भाषा में मैपिंग करके, देखिए यदि पहला यदि देखिए समूच ए के अवयव ये रहा वन टू थ्री बी और ये फोर ले लेते हैं और यहाँ पर ये रखा है, यहाँ लिख लेते हैं फाइव सिक्स और सेवन, ठीक ना। तो अगर हम अगर मैं ये कहूँ कि ये समुच्च ए के सभी अवयव खत्म हो जाएं, ठीक ना, खत्म हो जाएं कि मतलब देखिए अपने को समझना है, तो अगर मैं खत्म हो जाएं, ठीक ना, या एग्जॉस्ट हो जाएं, एग्जॉस्ट हो जाना, ठीक ना, खत्म हो जाना समाप्त हो जाना, तो या ये देखिए अगर सभी अवयव इनके सभी अवयव समाप्त हो जाएं, मतलब कि ये सभी किसी न किसी के संग प्रतिबिंब लगा बना लिए, ठीक ना, किसी न किसी के संग मैपिंग हो जाए, ठीक ना, मतलब सभी इसके ए के सभी अवयव अगर यूज्ड हो जाएं, है ना, उपयोग में कर लिए जाएं, ठीक, तो ये हो जाए। और दूसरा यदि इस प्रकार देखिए ये हो, ठीक ना, मतलब एक का एक अवयव के दो इमेज आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना, या दो के संग मैपिंग हो रही है, ठीक ना, ये इमेज है, तो ए समूच ए के एक अवयव का दो इमेज आ रहा है, दो प्रतिबिंब आ रहा है, तो ये फलन नहीं कहलाएगा, ठीक ना।
ये याद रखिएगा, ये होता है एक का दो नहीं होना चाहिए, ठीक ना, मतलब हमको ये वाला रूल फॉलो नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ये याद रखिएगा, इस तरह का क्रॉस में नहीं होना चाहिए, एक के दो होंगे नहीं तो ये फलन नहीं है, ठीक ना। थर्ड में देखिए, इसका उल्टा देखते हैं, देखिए ये होना चाहिए, ये देखिए जैसे दो है ना, तो यहाँ पर दो कर लेते हैं, आप देखिए इधर से इधर कर लेते हैं, मतलब किसी भी दो अवयवों का एक प्रतिबिंब है, ठीक ना। तो देखिए क्या ये संभव है, तो देखिए ये संभव है, ठीक ना, ये है, हमने ये नहीं कहा है कहीं कि किसी के दो अवयव के अगर एक ही प्रतिबिंब है, ठीक ना, तो एक ही प्रतिबिंब है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। जैसे एग्जांपल इसका ले लेते हैं, देखिए जैसे दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक ना, ये ले लिया, अगर दो का छः है और तीन का छः है, ठीक ना, तो इसमें कोई गलत नहीं है, और चार का सात कर लेते हैं, तो देखिए हमने बोला इसका इसमें एक प्रतिबिंब है ना, दो का छः एक प्रतिबिंब है, तीन का एक ही प्रतिबिंब है और वो संयोग से छः ही है, ठीक ना। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि मतलब दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब होंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना, तो ऐसा नहीं है। बस इसमें ये याद रखिएगा, इसमें हमने बोला सिर्फ एक और सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए एक दो का छः एक के प्रतिबिंब है, तीन का छः एक ही प्रतिबिंब है, ठीक ना, दोनों सेम है वो अलग बात है, ठीक ना। तो इसको खास ख्याल रखिएगा, ये कंडीशन में भी ये फलन कहलाता है, ठीक ना, ये कंडीशन में फलन नहीं होता है, एफ में फलन होता है, ठीक ना। और अगर फोर्थ में बात करें तो देखिए सबका अकेला अकेला भी तो ये होता ही है, ठीक ना, ये तो प्रतिबिंब होगा ही, एक का इमेज प्रत्येक का अलग अलग इमेज है, तो ये भी ठीक है, ठीक ना। तो इसको आप मैपिंग से ध्यान रखिएगा।